क्या लड़की से नहीं निकाह कबूल करवाया जाता, लड़की से वालिद इजाज़त लेता है। ये न जाने कैसे लोगों ने अपना लिया कि जिस दिन निकाह होता है उस दिन जाके पहले उसे मनवाते हैं। हदीस आती है, उस वक्त तक कंवारी औरत का निकाह न करो हत्ता तुस्तअज़न, जब तक इजाज़त न लो। इस इजाज़त का ताल्लुक तैयार करके बिठा के नहीं है, इसका ताल्लुक जब आप निस्बत कायम करने लगे हैं। व इज़्नुहा सुमातुहा, उसकी इजाज़त क्या है, वो खामोश हो जाए, क्योंकि हया वाली औरत तो बोलती नहीं है। और व सय्यिबु तुअर्रिबु अन नफ्सिहा, जो शादी शुदा थी, खामिन फौत हो गया, तलाक हो गई, वो अपनी राय का भी इजहार वालिदैन के सामने कर सकती है। तो उसकी इजाज़त निकाह पढ़ते वक्त नहीं होती, ये पहले होती है, और ये वालिदैन का काम है। वहाँ मौलाना साहब को भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद पूछता हूँ, ना किसी सहाबी ने ऐसा किया है। ये साइन करवाने के लिए भी मौलाना साहब के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाप जाए। और वैसे भी ये चूँकि कानून है, हम उसका एहतराम करते हैं। अगर आप ज़बानी भी निकाह पढ़ाते हैं, निकाह तो हो जाता है, चूँकि जिन जहाँ इंसान रहता है वहाँ दस्तूर और कायदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो हम रिटन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, वगरना निकाह तो हो जाता है उसका।